नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। कोरोना आपके आसपास चारों तरफ है, इसलिए हमने भी मास्क पहनकर इस खबर को करने का निर्णय लिया है। चौंकिएगा मत, क्योंकि कोरोना है इसलिए मास्क जरूरी है, और हम भी आपके सामने अब मास्क पहन के ही खबरें करने आएंगे। तो आपको बता रहे हैं कि कोरोना के जो हालात हैं बिहार में, लगातार बिगड़ते ही चले जा रहे हैं। बिहार की बात करें या फिर पूरे देश की बात कर लें, जो कोरोना के हालात लगातार भयावह होते जा रहे हैं, हम आपको हालांकि डरा नहीं रहे हैं, बता रहे हैं कि कोरोना से सुरक्षा जरूरी है और कोरोना लोगों को डरा रहा है। तो पटना की बात करें तो पटना में जिस तरह से कोरोना के आंकड़े लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं और मौतों का आंकड़ा भी लगातार बढ़ता ही जा रहा है, शमशान की हालत जो है हमने आपको भी दिखाई है कई वीडियोस में कि क्या हालात हैं पटना के अंदर। शमशान में भी 24 घंटे के बाद नंबर आ रहा है डेड बॉडी के चलने का। तो ये भयावह हालात है, ये अभी जो घड़ी है महामारी की घड़ी है, और इस महामारी से निपटने के लिए हम सबको एक समग्र प्रयास करना होगा। ये तो रह गई बात, पर हम अब बात करने बैठे हैं जो अभी अभियानंद की, जो अभियानंद पूर्व आईपीएस अधिकारी है, बिहार के पूर्व डीजीपी रह चुके हैं और वो सुपर 30 के संचालक भी रह चुके हैं। सुपर 30 से उन्होंने कई छात्रों को इंजीनियर बनाया है। तो हम बात करने बैठे हैं उनकी, अभियानंद ने इस पूरे मसले पर उन्होंने अपना एक विचार व्यक्त किया है जो महत्वपूर्ण है, खासा महत्वपूर्ण है। हम आपको बताना चाहेंगे पूरी बात जो है, उन्होंने एक बतौर लेटर लिखा है सोशल मीडिया पर, वो हम आपको पढ़कर सुनाएंगे। तो अभियानंद ने जो कुछ लिखा है फेसबुक पर वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान से सुनिएगा, उसके बाद हम थोड़ा विश्लेषण करके भी आपको बताएंगे कि वो क्या कुछ कहना चाह रहे हैं। तो उन्होंने लिखा है, कोरोना का दूसरा लहर, पूरा देश बेचैन, अफरा तफरी का माहौल, भारत आंकड़ों के मामले में शायद विश्व में प्रथम स्थान पर पहुंचने की कगार पर है। पूरे विश्व ने हवाई जहाज की यात्रा हमारे देश से बंद कर दी है। बचपन से देखता आया हूं कि समय समय पर हमारा देश विपत्तियों से घिरता है और उससे बाहर निकलता है। इस प्रक्रिया में दो मुख्य विशेष बातें दिखती हैं। पहला, पूरा देश सभी मतभेद को भूलकर उस संघर्ष में एक होता था। दूसरा, सभी सरकारें तन मन धन से उस प्रयास में जनता के साथ आगे खड़ी रहती थी। उसके बाद आगे वो लिखते हैं, आगे अभी वर्तमान के हालात के बारे में। ये तो पिछली बात हो गई जो उन्होंने बताया कि पहले क्या होता था और अब क्या हो रहा है। अभियानंद की बातें आप ध्यान से सुनिएगा आगे। इस बार इन दोनों विशेष यह दोनों विशेषताएं गौण हैं। मीडिया और अन्य विद्वान अपनी अपनी तरह से इसका विश्लेषण कर रहे हैं। मैंने भी इस त्रासदी के जड़ में जाने का प्रयास किया। मेरी समझ में अगर कोई एक वाक्य है तो वह इस पूरी विभीषिका के मूल में है, तो वह है, समस्त सरकारी तंत्र में मचा निर्बाध भ्रष्टाचार। तो एक बड़ी बात कह दी है अभियानंद ने, निर्बाध भ्रष्टाचार की बात कही है, तो हम उसको पूरी बात बताएंगे। थोड़ा सा आगे पढ़ देते हैं उन्होंने क्या कहा है। आम आदमी ने भ्रष्टाचार से समझौता करना सीख लिया है, फलाफल का विभत्स रूप दिख रहा है। तो अभियानंद ने बड़ी बात कह दी है, और उन्होंने जो इस वर्तमान हालात को ऑब्जर्व किया है, देखा है, उसके आधार पर जो वो निर्णय पर पहुंचे हैं, तो उन्होंने कहा कि सिर्फ और सिर्फ ये जो है इस विभीषिका के मूल में क्या है वो बता रहे हैं और कह रहे हैं कि इसमें सीधे इसमें जो है भ्रष्टाचार, जो निर्बाध भ्रष्टाचार है सरकारी तंत्र में, वो इस बीमारी के जो पीछे जो विभीषिका बन गई है वो मूल है, मूल रूप से वही सबसे बड़ा जड़ है। और आम आदमी ने भ्रष्टाचार से समझौता करना सीख लिया है, तो आम आदमी के बारे में भी वो कह रहे हैं कि जो लोग हैं उन्होंने भी शायद भ्रष्टाचार से समझौता करना सीख लिया है, इसीलिए भ्रष्टाचार जो है सरकारी तंत्र में जड़ जमाता चला जा रहा है, और विभीषिका, इस जो सबसे बड़ी विभीषिका है कोरोना की विभीषिका, इस पर पूरा देश ही नहीं पूरा विश्व परेशान है। तो इसके पीछे वजह है तो सिर्फ और सिर्फ सरकारी तंत्र में निर्बाध भ्रष्टाचार। तो साफ साफ उन्होंने वजह बता दी है, जो आईपीएस अधिकारी हैं अभियानंद, बिहार सरकार के बिहार पुलिस के डीजीपी भी रह चुके हैं और शिक्षाविदों में जाने माने शिक्षाविदों में शुमार हैं, सुपर 30 के संचालक रह चुके हैं और अभी भी वर्तमान में वो छात्रों को पढ़ाते रहे हैं। एक शिक्षक के तौर पर भी उनका एक खासा रुतबा रहा है,
अभियानंद ने बड़ी बात कह दी है और सरकार के तंत्र में, सरकारी तंत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार की पोल खोलकर उन्होंने इस लेटर में रख दी है। तो अगर आपको ये खबर अच्छी लगे तो इसे जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।